हेलो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टॉट यू रिगार्डिंग दिस पोएम इन द यूट्यूब वीडियो, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द टेक्स्ट एंड थ्रू दिस टेक्स्ट यू विल कम टू नो हाउ टू रीड द टेक्स्ट प्रॉपरली एंड यू विल लर्न द पोएम प्रॉपरली. द नेम ऑफ द पोएम इज रेन ऑन द रूफ दैट हैज़ बिन रिटन बाई कोट्स किनी. Who has written this poem? Coates Kinney is the poet of this poem. Rain on the Roof, the poem, reveals the healing power of nature. The poet feels it a bliss to listen to the sound of rain while lying in his bed. Then the tinkle of the rain brings dreamy fancies so that a thousands of sweet memories comes in his mind. It also brings afresh the memory of his mother and a fond look on him. These memories are created in his mind as he listens to the sound of the raindrops falling on his roof. तो जो रेन ऑन द रूफ है, पोएट रियली इन्जॉय करते हैं इस साउंड को, क्योंकि इससे उनकी मेमोरीज, जो बचपन की स्वीट मेमोरीज हैं, वो फिर से उनके सामने फ्रेश हो जाती हैं और उन्हें अपनी मदर की याद आती है. और इस तरह से जो जब ये रेन ड्रॉप्स की साउंड सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छा लगता है. और वैसे भी ये रेनी सीजन चल रहा है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू विल ऑल्सो लव टू लिसन दिस बेटर साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू टेक्स्ट वाइज. व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग. जब भी जो स्काई है वो डार्क क्लाउड से कवर्ड होता है तो हमें क्या पता चल जाता है, इट इज़ अबाउट टू रेन. It starts raining और क्या होना शुरू हो जाती है, rain होना शुरू हो जाती है. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने कभी ये patter की sound को roof पर सुना है कभी? When what thoughts flashed through your mind? आपके दिमाग में उस समय क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या ideas आते हैं as you heard this melody of nature? क्या आपने कभी ये patter sound को सुना है? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो अब आप देखिए और सुनिए कि poet इस poem के through क्या उनके mind में आता है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं. Students, I just have observed you are not watching the videos properly. If you will not read, then you will not be able to understand properly. आपको समझने के लिए ये वीडियोस तो देखना ही पड़ेगा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस कोरोना वी आर हैविंग ओनली दिस मीडियम टू रीड प्रॉपरली टू कंटिन्यू आर स्टडी. ओके, सो यू आर गुड स्टूडेंट्स एंड आई होप यू विल फॉलो योर टीचर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू टेक्स्ट वाइज. व्हेन द ह्यूमिड, अभी मैं आपको इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और बता देती हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पोएम इज ह्यूमिड. व्हाट डज दिस ह्यूमिड शेडोज मीन? वेट क्लाउड्स, नम बादल. होवर, होवर फ्लोट्स अबव. होवर का मतलब ऊपर मंडराना. स्टारी स्फीयर, कवर्ड विद स्टार्स. स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स. मेलंकोली, सैड उदास. डार्कनेस, अंधेरा, आप जानते ही हो. वीप्स, रोना. रेनी टीयर्स, रेन ड्रॉप्स लाइक टीयर्स. ब्लिस, इट मीन्स टू, वॉट इज दैट ब्लिस? अ ग्रेट जॉय, अ ग्रेट एन्जॉयमेंट. टू प्रेस, पुश. पिलो, इट मीन्स what is that pillow is? What is that pillow? Tell me. जो आप सर के नीचे लगाते हो, अपने हेड के नीचे लगाते हो जब भी आप सोते हो, तो वो क्या कहलाता है? पिलो. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, रूम. कॉटेज चैम्बर, वॉट डज इट मीन? रूम.
हाँ लाय लिसन, लेटे हुए सुनना, ऑफ द पैटर पैटर, व्हाट डज इट मीन पैटर पैटर, द साउंड ऑफ फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, क्लियर स्टूडेंट्स, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सॉफ्ट रेन अच्छी सी बारिश, ओवरहेड माने सर के ऊपर. नाउ आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंगली, क्लियर. तो जबी भी कभी बारिश होने वाली होती है, द पोएट इज वेरी आर्टिस्टिक एट दिस टाइम एंड ही इज गोइंग टू से, द पोएट सेज दैट व्हेन देयर आर क्लाउड्स एंड द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स इन द स्काई इट गेट्स डार्क व्हेन द ह्यूमिड शेडोज ओवर ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स. तो सारा जितना भी स्काई है वो किससे कवर्ड, स्टारी स्पेयर्स किससे कवर्ड हो जाता है, क्लाउड से, डार्क क्लाउड से एंड द मेलंकली डार्कनेस, और चारों तरफ क्या फैल जाती है, इट बिकम्स डार्क. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो एंड पोएट एंजॉयज दिस सीजन दिस थिंग बिकॉज इट देयर विल बी रेन ड्रॉप्स विच विल लुक लाइक रेनी टीयर्स एंड द डार्क क्लाउड्स जेंटली वीप्स एंड द रेनी टीयर्स विल कम आउट ऑफ देम. व्हाट अ ब्लिस, कितना अच्छा लगता है उस समय पिलो को प्रेस करना. हु इज सेइंग सो, कोट स्किनी एंड लाय लिसनिंग टू द पैटर. और कितना अच्छा लगता है उस समय, व्हाट इज अ एंजॉयमेंट, व्हाट इज अ फन टू लिसन लाइंग इन द बेड दिस पैटर साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सर के ऊपर. क्यों, क्योंकि ये साउंड कहाँ से आ रही है, रूफ के ऊपर जब रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो ये जो सॉफ्ट साउंड है वो कहाँ से आ रही है, रूफ के ऊपर से. इसलिए पोएट ने क्या कहा स्टूडेंट्स, ओवर हेड. अब मैं इसकी राइमिंग स्कीम आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्या है इसकी राइमिंग स्कीम. ए बी सी अगेन बी डी ई एफ ई, क्लियर. तो क्या है इसकी राइमिंग साउंड, राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी डी ई एफ ई. फिगर ऑफ स्पीच इसमें रेनी टीयर्स, ठीक है, रेनी टीयर्स की वजह से यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन. और जो सबसे पहली लाइन है वहाँ क्या है, ह्यूमिड होवर, एच साउंड का रिपीटेशन है, इसलिए क्या है यहाँ पर, एलिट्रेशन, क्लियर. नेक्स्ट पैटर साउंड की वजह से क्या है यहाँ पर, अनमट पहिया, क्लियर. नेक्स्ट इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अपोस्ट्रोफी, क्योंकि मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आ रहा है यहाँ पर, क्लियर स्टूडेंट्स. ओके नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेंजा. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बुशी बींग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. स्टूडेंट्स गेट रेडी, सो मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच आर देयर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पैरा ऑफ दिस स्टेंजा. ओके सो वॉट इज दिस टिंकल, टिंकल इट मीन्स स्ट्रोंग लाइट. वॉट इज द टिंकल, स्ट्रोंग लाइट. Now shingles, shingles, what does it mean shingles, shingles, rectangular wooden tiles used on the roof, जो छत पर rectangular wooden tiles लगाए जाते हैं वो. Has an echo, echo, what does it mean echo, echo, a type of reverberation sound, गूंज, प्रतिध्वनि. ड्रीमी फैंसीज, नेक्स्ट इज ड्रीमी फैंसीज. स्वीट इमेजिनेशंस, कल्पनाएं आपकी. बिजी बींग स्टार्ट, बिजी बींग स्टार्ट इन द बिजी माइंड ऑफ द पोयम. नाउ रिकलेक्शंस,
Recollection, it means memories. Clear? Woof. Woof, it means the thread. Woof, it means the thread. Threads woven across the loom. ताना वाना बना हुआ होना, ठीक है. वी नेक्स्ट इज लिसन, इट मीन्स सुनना. आपको पता ही है लिसन से. पैटर अगेन, आई जस्ट हैव टोल्ड यू, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर बारिश होना. अब मैं आपको बताती हूँ, इसका एक्सप्लेन किए देती हूँ. एवरी टिंकल ऑफ द शिंगल्स, द पोएट सेज दैट व्हेन ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, There is an echo in his heart. Which type of the sound is there? And a type of echo in his heart. The sound of rain, when it lies on the shingles, it creates a type of echo in the poet's heart. At that moment, his otherwise busy mind is lost in the sweet memories. He begins to start imagination. Many imagination which were lost in his mind due to being busy, now he start imagine them. Lots of memories come to him and he is surrounded by those memories. अब मैं आपको इसे हिंदी में बता देती हूँ ताकि आप ठीक से इसे समझ सको, ठीक है. तो जब हरेक जो shingles मैंने बताया आपको, छत के ऊपर लगे हुए rectangular shape के वुडन रेक्टेंगुलर शेप के पीसेस हैं, जिन पर जब ये रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो उनकी साउंड कैसी होती है, टिंकल. इससे पोएट के हार्ट में एक तरह का ईको होने लगता है और वो फिर से अपनी पुरानी यादों को कलेक्ट करने लगता है उसका माइंड, क्योंकि अभी तक वो किस में बिजी था, अपने सभी कामों में, डेली रूटीन वर्क में. उसे कोई भी पता नहीं है कि उसने क्या पीछे छोड़ दिया है. अब वो फिर से अपनी मेमोरी में उन सबको याद करने लगता है और हज़ारों बचपन की जो स्वीट मेमोरीज हैं उनका ताना बाना वो बुनने लगता है. एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही वो उस पैटर साउंड को सुनता है, कहाँ पर, छत के ऊपर, रेन अपॉन द रूफ. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पैरा. द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पैरा इज ए बी सी बी डी ई एफ ई एंड टिंकल साउंड इज देयर. विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर? आई जस्ट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑल साउंड क्रिएट अनमट पाया. क्लियर? Now, thousand dreamy fancies, hyperbole, clear? And here, assonance, which figure of speech is there in this line? Assonance. Next is as, due to as, which figure of speech is there? Simile. कौन सा figure of speech है यहाँ पर? Simile. Patter sound की वजह से कौन सा figure of speech है यहाँ पर? Anmatpaiya. Clear students? Now, the next para is, now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. First of all, I will tell you the difficult words of this stanza. Memory, what does it mean? Remember. Years, it means सालों पहले. Okay. Agone, past. What does it mean? Agone, past. Regard, related to, observed. Clear? Darling, it means very dear, loving. Dreamers, what does it mean dreamers? The people who used to watch dreams. Are, before. Left, to leave. Till, tak. Dawn,
మార్నింగ్ టైమ్, అర్లీ మార్నింగ్ టైమ్ ఫోన్లు. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఫుల్ ఆఫ్ అఫెక్షన్. రిఫ్రెయిన్, వాట్ డస్ ఇట్ రిఫ్రెయిన్? రిఫ్రెయిన్ ఇట్ మీన్స్ ద రిపీటేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ లైన్ ఓ ఇన్ ద పేరా అగైన్ అండ్ అగైన్. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. షింగల్స్, షింగల్స్ మేనే ఆప్కో పహలే హి బతా దియా హై కి జో పేరా హోతే హై వో సారీ రూఫ్ పర్ లగే హుయే స్మాల్ వుడన్ రెక్టాంగులర్ షేప్డ్ స్టోన్స్ ఆర్ వుడన్ వుడన్ వుడ్ వుడన్ రెక్టాంగులర్స్ భీ హో సక్తే హై బై పేటర్. పేటర్ అగైన్ ఇస్ ద సౌండ్ హియర్. నౌ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ ద రైమింగ్ స్కీమ్ ఆఫ్ ద పేరా ఇస్ సేమ్. స్టూడెంట్స్, వాట్ ఇస్ దట్ రైమింగ్ స్కీమ్? ఏ బి సి B, D, E, F, E. Okay, now next is now in memory comes my mother. So the poet is saying that when he listens the continuous sound of pattering of raindrops upon the shingles on the roof, he recollects the memory of his mother, of his childhood, as she used in years ago, what that she did years ago when she was alive to regard the darling dreamers. His mother comes in his memory. She comes to memory just away. She would come in his dreams in the past. If she left them till the dawn, and she used to left before the morning. Oh, I feel her fond look, but this is the rain. Due to that, the poet is feeling her fond looks till the time on him. As I list, list is for listen. List is for listen. As he listens to this again. The pattering, a refrain for what it has been used for? Pattering sound, clear pattering sound of raindrops, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now the poet is going to tell ki kabhi kya bata rahe hain ki jab ye lagatar barish hoti hai to iski jo tap tap pani ki jo sound hoti hai rain hone ki, main use jab bhi kabhi sunta hoon तो मुझे किसकी याद आ जाती है? अपनी मदर की, जो कि कई सालों पहले थी और इस ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी मेमोरीज में अभी भी आ गई हैं और वो तब तक रहती हैं मेरी मेमोरी में, मेरी मदर जो है, जब तक कि सुबह नहीं हो जाती है. ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी. तो मुझे क्या लगता है कि जैसे वो अभी भी मेरी तरफ देख रही हैं और मैं उन्हें, वो मेरी तरफ देख रही हैं, मैं उन्हें अभी भी मिस करता हूँ. एज आई लिस्ट टू द दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं इस रेन की पैटरिंग साउंड को सुनता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स. कौन सी साउंड सुनते हैं? जो वो साउंड जो कि इन पत्थरों के ऊपर, इन जो स्क्वायर शेप्ड रूफ पर वुडन पीसेस लगे हुए उन पर गिरने से होती है, बाई द पैटर ऑफ द रेन. ये जो पैटर की साउंड होती है रेन के आने से. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितना अच्छा है रेन का आना. आई होप आप भी इंजॉय करते होंगे रेन को और आपकी भी मेमोरी में बहुत सारी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो सब रिकलेक्ट हो जाती होंगी. ठीक है, तो अभी हम इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ठीक है, now the first para, we are going to move with the first para so that you can have an idea which type of the questions will be there in your examination. For the first para, how does the darkness weep? The darkness weeps gently. What is the answer is that question? The darkness weeps gently. Next question is, where does the poet want to lie when it rains? Where does the poet want to lie? What is the answer of this question? The poet wants to lie in his cottage chamber bed.
कहाँ लेटे रहना चाहते हैं पोएट? अपने कॉटेज चैम्बर बेड में. What does he want to listen? क्या सुनना चाहते हैं? Patter sound. From where the sound is coming? The sound is coming over the head. And what is a bliss? At that time while it is raining, it is a bliss to press the pillow. Students, for this type of the revision and this type of the study, you have to watch this video very carefully so that you can understand the poem very well, the text very well, because during your examination this text will appear for you to solve. Okay, now the next para. Okay, one more question is also there. I will like to ask to you, which figure of speech is there in this patter sound? Which figure of speech is there in this patter sound? There is Anmat Paya. Okay, now next is Tinkle. Which figure of speech is there? Tinkle Anmat Paya. Okay, what is the name of the poem? Rain on the Roof. What is the name of the poem? Rain on the Roof. Who has written the poem? By whom this poem has been written? The poet of this poem is Coates Kenny. Okay. Next figure of speech. Which figure of speech is there in this line as I listen to the patter? There are two figures of speech. Due to as, there is simile. Due to patter sound, there, which figure of speech is there? Due to patter sound, which figure of speech is there? Anmat Paya. Clear? Now you understand? Some more questions are there for this para. I would like to ask to you so that you can have a good revision of the poem. What does every tinkle on the shingles create? It creates an echo sound in the heart of the poet. Okay, next question is, what is that starts into the busy bee? What is that starts into the busy bee? The recollections weave their air threads into woof. Clear? What does the poet listen? The poet listen patter sound. What does the poet listen? The poet listen the patter sound. From where the patter sound is coming again? Okay? Over the head, upon the roof. Clear? Now questions for the next para, last para. Which figure of speech is there in line second? Can you tell me which figure of speech is there in line second? Which figure of speech is there? Simile. Who comes in the memory of the poet? His mother comes in the memory of the poet. Whom he is regarding? Darling dreamers. What does ere means? Before. Which figure of speech is there in this line? Oh, I feel her fond look upon me. Which figure of speech is there? Apostrophe. Clear? Which figure of speech is there? Apostrophe. Okay, students, which figure of speech is there in this third line? Simile. Clear? Which figure of speech is there in this last line by patter of the rain? Anmat Paya. Okay, students, okay, learn the poem well. Learn, read, watch this video till the end and learn this poem properly. Okay? Thank you.